Assalamualaikum. आज सानु बाबा लेक्चर नंबर 2 आए फ्रॉम इंटर क्लास चैप्टर नंबर 11 लास्ट चैप्टर आए आज सानु टॉपिक आए अमीनो एसिड अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जेमी टू फंक्शनल ग्रुप हुंदा है एकड़ो कार्बोक्साइल ग्रुप हुंदो आ एकड़ो अमीनो ग्रुप हुंदो आ कार्बोक्साइल एसिडिक ग्रुप आए एंड अमीनो ग्रुप जो वो बेसिक ग्रुप आ नेचर में तो अमीनो एसिड दिस आर बिल्डिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन दिस आर बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स They contain two functional group. They contain two functional groups. हिन में ब फंक्शनल ग्रुप हूंदा आहिनि हिकिड़ो हूंदो आहे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक ग्रुप आहे कार्बोक्सिलिक एसिड जेको आहे एसिडिक आहे ऐं सेकेंड आहे अमीनो ग्रुप NH2 इहो जेको आहे बेसिक ग्रुप आहे त देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप इन अमीनो एसिड वन इज कार्बोक्सिल ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द अमीनो ग्रुप कार्बोक्साइल जेको आहे नेचर में एसिड आहे ऐं अमीनो ग्रुप जेको आहे नेचर में बेसिक आहे टोटल अमीनो एसिड असां वटि 20 आहिनि 10 असेंशियल आहिनि 10 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड आहिनि देयर आर टाउंटी अमीनो एसिड्स 10 आर essential and 10 are non-essential amino acids total ji kya hain 10 amino acid hain 20 amino acid hain 10 amino acid ji kya hain wo essential hain 10 and 10 ji kya hain wo non-essential hain जेके नॉन असेंशियल आहिनि उहा वरी बॉडी साइंथिसाइज उहा असांजी बॉडी ठाहींदी आहे ऐं जेके असेंशियल आहिनि उहे असां डाइट मां वठंदा आहियूं नॉन असेंशियल गैर ज़रूरी असांजी बॉडी साइंथिसाइज कंदी आहे ऐं जेके असेंशियल आहिनि ज़रूरी आहिनि उहे असां डाइट गिज़ा मां हासिलु कंदा आहियूं टोटल अमीनो एसिड आहिनि 20 जंहिंमां 10 पोलर नेचर जा आहिनि ऐं 10 नॉन पोलर नेचर जा आहिनि सभिनी मां सिंपलेस्ट जेको अमीनो एसिड आहे उनखे ग्लाइसिन चइबो आहे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में टू कार्बन हूंदा आहिनि हिकिड़े कार्बन सां अमीनो ग्रुप आहे ऐं ॿिए कार्बन सां कार्बोक्साइल ग्रुप आहे टिनि क़िस्मनि जा अमीनो एसिड हूंदा आहिनि हिकिड़ा हूंदा आहिनि एसिडिक नेचर जा एसिडिक नेचर ॿिया हूंदा आहिनि अल्कलाइन नेचर अल्कलाइन नेचर जा आहिनि ऐं टिया जेके आहिनि एम्फोटेरिक आहिनि थर्ड जेके आहिनि एम्फोटेरिक आहिनि नेचर में अच्छा जेके एसिडिक अमीनो एसिड आहिनि उन में ॿ कार्बोक्साइल ग्रुप हूंदा आहिनि ऐं हिकिड़ो अमीनो ग्रुप हूंदो हेलो वेलकम
अच्छा हाँ एसिटिक अमीनो एसिड जी के होता है, एसिटिक अमीनो एसिड जी के होता है, उन्हें में कार्बोक्सिल ग्रुप बोंदा है ने अमीनो ग्रुप ही कलोंदा एसिटिक अमीनो एसिड जा एग्जांपल आए नंबर वन एस्पेरेटिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड में चाउंदा बा कार्बोक्सिल ग्रुप आए बा कार्बोक्सिल ग्रुप आए आई हिकड़ो जिको आ अमीनो ग्रुप आ टोटल कार्बन चार हुंदा एक ब ट्रे चार ब कार्बोक्सिल एक अमीनो ग्रुप उना जी करे ने जी नेचर केड़ी आ एसिडिक आ। सेकंड नंबर आ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड है उना में ब कार्बोक्सिल आए हैं ना वांगुर सी डबल ओ एच सी एच एन एच टू CH2CH2COOH फरक का तहिना में चार कार्बन हैं एक बार ट्रे चार हैं नमी वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन हैं तही भाई जी क्या हैं ने नेचर में एसिडिक का हैं ने जो तहिने में कार्बोक्साइड ग्रुप ब अमीनो ग्रुप ही करवाए। अच्छा सेकंड अल्कलाइन नेचर, अल्कलाइन मना बेसिक इन नेचर उन्हें जा एग्जांपल आए अल्कलाइन जा लाइसिन आर्गिनिन एंड हिस्टिडिन ये ट्री ने जा एग्जांपल आए इनन में बा अमीनो ग्रुप होता है या बिन खा वधिक आई कार्बोक्सिल ग्रुप जको आ एकड़ो होता है माना एक खा वधिक अमीनो ग्रुप आए ने आई वन कार्बोक्सिल ग्रुप आ so it is alkaline or basic in nature उन्हें जाके example जी किताब ही याद कराएं। third number आ neutral amphoteric R neutral amino acid से वे क्या होता है जैसे एक रो carboxyl group बचे एक रो amino group बचे मिसाल इन जो एग्जांपल ग्लाइसिन बाय इन जो एग्जांपल एलिनिन बाय ल्यूसिन बा आइसोल्यूसिन बा वगैरह इन में छा होता है एकड़ो अमीनो ग्रुप आ आई एकड़ो जेको आ कार्बोक्सिल ग्रुप आ आई एलिनिन में जेको आ एकड़ो अमीनो ग्रुप आ टोटल थ्री कार्बन आई हिकड़ो कार्बोक्साइल ग्रुप आ ताहिन जी क्लासिफिकेशन ने नेचर ते डिपेंड कर दिया हिकड़ा न्यूट्रल हुंदा है जेमी कार्बोक्साइल ही अमीनो ग्रुप बराबर हुंदा है हिकड़ा एसिडिक हुंदा है जेमी कार्बोक्साइल ग्रुप वधिक है अमीनो ग्रुप घट हुंदा है जी एस्पेरेटिक एंड ग्लूटामिक एसिड आए आई हिकड़ा हुंदा है अल्कलाइन या बेसिक नेचर वाला जेमी अमीनो ग्रुप घणा हुंदा है आई कार्बोक्साइल ग्रुप ही क्रोंड वाए उन्हें जो एग्जांपल लिखना है हम लाइसिन आर्गिनिन आर हिस्टिडिन। अच्छा आने ने कहा सवाल अमीनो एसिड इकड़ा असेंशियल होता है या नॉन असेंशियल होता है असेंशियल अमीनो एसिड जा बकम है असेंशियल अमीनो एसिड जे क्या हैं असेंशियल अमीनो एसिड उन्हें जा बा आम फंक्शन हैं टू इम्पोर्टेंट फंक्शन से उन्हें जा बा आम फंक्शन हैं नंबर वन आए ग्रोथ इन्फेंट से ग्रोथ ऑफ इन्फेंट से देखिए बारणा होता है नंदिरा उन्हें जी ग्रोथ में कमानी दान असेंशियल अमीनो एसिड आई एम यू आई ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस है
in the nervous system. In the nervous system. Transmission mana hai ka jaye tha abhi jaye thi pehchan. Impulse is a message. Nervous system dimag na. Pure body ja जेके मैसेज आया ने असाजे कंट्रोल सेंटर दे विंदा है वो नर्वस सिस्टम आए दिमाग आए आई से ये बॉडी जो जो को कंट्रोल आउट ने में आए त असा भूख लगंदी आ तो मैसेज विंदो आ असा के भूख लगी आ जेके मानु एकरा थोड़ा दिमाग का गेट हुंदा है असा ने की चंदा हूं एबनॉर्मल एबनॉर्मल जो मतलब हों तो उन्हें जो नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क न कर उन्हें जी करे वो एबनॉर्मल हों उन्हें के बुख न लगेंदी आ उन्हें के उन्हें न लगेंदी आ उन्हें के पेन फील न थी दुआ ऐसा उन्हें के मानी कराए नहीं उन्हें कहीं दाए न तन्ने तो उन्हें जो नर्वस सिस्टम जी को आ तो इफेक्टेड हों सही प्रॉपर वर्क न कर उन्हें जी करे सा उन्हें के एबनॉर्मल चुना है असानी पूरी बॉडी जा मैसेज क्या है नर्वस सिस्टम असिप कंदवा आई हुआ शी ऐसा के पो फील थी नहीं आई सो दे आर द वर्क आर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड ए बारन जी ग्रोथ जिला भी अहम है अच्छा इन का पोआ जुइटर आयन फिफ्थ है उंदवा जुइटर आयन यो अमीनो एसिड में किंदवा जुइटर आयन ज़ुइटर आयन आर डाइपोलर नेचर आर डाइपोलर नेचर इकड़े मॉलिक्यूल की डाइपोलर नेचर आ डाइपोल पोलर चांदा प्लस माइनस पार्ट प्लस माइनस मॉलिक्यूल के जिके प्लस माइनस चार्ज रखंदा डिफरेंट एटम है इकड़े मॉलिक्यूल के अंदर दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल आर डाइपोलर नेचर But overall, electrically neutral molecule is called a Zwitter ion. Dipolar nature होजे पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो जाए उन्हें जवाब ज़ुइटर आयन अमीनो एसिड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट करना है ए प्रोटॉन असिप करना है अमीनो एसिड के डबल नेचर आ प्रोटॉन डोनर बायन ए प्रोटॉन असिप्टर बायन मिसाल है आर सी एन एच टू नाइट्रोजन की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ सी डबल ओ एच हाँ हाइड्रोजन जी के प्रोटॉन दिंदो तो वो ही नाइट्रोजन जी को शिफ्ट कंदो तो प्रोडक्ट छा ठंदी आर सी एच एन एच थ्री प्लस चार्ज सी डबल ओ माइनस चार्ज दारी प्लस चार्ज ए माइनस चार्ज बराबर आए ए कैंसिल थी विंदा तहन ही चेबो ज़ुइटर आए ज़ुइटर आयन हिता हाइड्रोजन निकली हो आई द प्रोटॉन आई ओ प्रोटॉन जी क्वा अमोनिया जी क्वा रिकवर के वा अमोनिया सा उने प्रोटॉन कोऑर्डिनेट बांड ठाए असिप के वा है ता अमोनिया की लोन पे इलेक्ट्रॉन हो जेने के हाइड्रोजन प्रोटॉन असिप के निज मथा प्लस चार्ज आईया आई हाइड्रोजन हिता निकली हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप मा ने डोनेट के वा सो माइनस से प्लस चार्ज बराबर आयन इन फॉर्म के चेबुआ ज़ुइटर आयन फॉर्म सो दिस इज द ज़ुइटर आयन फॉर्म यू आई ज़ुइटर आयन फॉर्म इन्हें के चेबुआ टाइटोमिज्म असा इन्हें प्रोसेस के टाइटोमिज्म या इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट चलता है इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विद इन मॉलिक्यूल जी क्या रीअरेंजमेंट आया
हिता हाइड्रोजन लिखो आयो सागो इन से मिली कर अमोनियम आयन प्लस चार्ज सी डबल ओ माइनस सही हुआ विद इन मॉलिक्यूल के एक एटम एक जगह का बे जगह पे थी वने चबा इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट या इन चवेंदा टाइटोमिज्म। अच्छा इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन चाहे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज बा अमीनो एसिड पार में इंटरेक्शन करना है आई वाटर निकली विंदवा एज अ बाय प्रोडक्ट आई विच में ठंदवा कार्बोनाइल अमाइन बॉन्ड दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड लिंकेज द इंटरेक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ टू अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से एंड प्रोड्यूस ए वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट एंड फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनाइल एंड अमाइड लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन ये क्या है पॉलीमर एंड पेप्टाइड लिंकेज पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज आर सी एच एन एच टू सी डबल ओ एच प्लस एच एन एच सी एच आर सी डबल ओ एच एक अमीनो एसिड आई दू आ इन अमीनो एसिड में ओ एच तो वे इन में हाइड्रोजन तो निकले एच ओ एच मिली करा वाटर माइनस एच ओ एच बाकी बचो आर सी एच एन एच टू अहिता बचो सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ अहिते बचो एन एच एन एच सी एच आर सी डबल ओ एच सी एच आर सी डबल ओ एच और इन ग्रुप के चबा अमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज अमीनो एसिड अमाइड लिंकेज जरिए मिली करे प्रोटीन मॉलिक्यूल ठाइंदा है। अच्छा अमीनो एसिड जो रोल केड़ो आ ह्यूमन बॉडी में रोल ऑफ अमीनो एसिड से इन ह्यूमन बॉडी केड़ो रोल आए नंबर वन अमीनो एसिड साइंथीसाइज साइंथीसाइज बेक बॉडी प्रोटीन
अमीनो एसिड बॉडी प्रोटीन ठाहींदा आहिनि पाण में मिली करे जॾहिं खाधो खाईंदा आहियूं ऐं डाइजेशन थींदी आहे इंटेस्टाइन में त प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ थींदा आहिनि अमीनो एसिड में अमीनो एसिड मिली करे वरी छा ठाहींदा आहिनि बॉडी प्रोटीन जॾहिं एमरजेंसी थींदी आहे त उन मां असांखे एनर्जी प्रोवाइड थींदी आहे ऐं नंबर टू ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड प्रोड्यूस एनर्जी ऑक्सीडेशन सां एनर्जी मिलंदी आहे ऐं नंबर थ्री डाइट इन लो ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर फैट then body protein broken down and provide necessary energy for the मेंटेनेंस ऑफ बॉडी असांखे जेको आहे बॉडी प्रोटीन जेके आहिनि एनर्जी ॾींदा आहिनि ऐं असां उहे उहा यूस करे कार्बोहाइड्रेट ऐं फैट जी जेकी कमी आहे उहा पूरी कंदा आहियूं ओके वाला हाफ़िज़।